तोरो पूरा परिचय बता दे सियाराम। राजकुमार मैं तो तीनों लोक के स्वामी लंकापति राजा रावण के बहनोई सियाराम। अकेली काबर घूमत है, एक नारी जाती अकेली घूमना ठीक बात है। जय सियाराम। जय राजकुमार, मैं कहीं भी अकेली आ सकता हूं, कहीं भी अकेली जा सकता हूं, मुझे हासिल है आज्ञा कहीं भी आनी जानी मेरा माँ, मुझे हासिल है आज्ञा कहीं भी आनी जानी मेरा माँ। लगाती रहती थी चक्कर, आज लगाती रहती थी चक्कर, मैं तो पति को ढूंढने जमाने मेरा अभी तक तो बिहार न होएगा घीस राम। चला बताओ राजकुमार, तीनों लोग 14 मोहल्ला खोज जा रहे हो, लेकिन बेचने में सुन रहे हो ना राजकुमार, उसने तुम्हारे साथ सुंदर पुरुष अभी तक मिल बेच नहीं कर देकर से राजकुमार, अभी तक मैं कुमारी हूं। अब आप मल्ला देखे ना राजकुमार, और विचार थे राजकुमार और मनसा में भी हाव कर लेते हो घीस राम। जय श्याम पुरुष तो सम पुरुष नामो समारी भगवान बड़ा जोर से देवी, हमें कुंवारी नहीं विवाहित है, एक नारी व्रत रखते हैं, अपने नारी को छोड़ दूसरी को माता बहन समझ सियाराम। मोर तो बिहा होगी अवैध अर्धांगनी मोर साथ में, अब अपन नारी छोड़ के पर नारी ला माता बहन दृष्टि से देखना अमर सादर धर्म सियाराम। कर्मन के विचार दूसरा ही है, मोर विचार दूसरा है सियाराम। माता जानकी कथे स्वामी ये बिहाव करूं कथे, एकर बिहाव कर एक विचार है, एकर बिहाव कर एक देव कथे सियाराम। कैसे करा को चाहता जो भाई तोर मोर जोग जोड़ी संसार बन गए है, तबो का आकर्षण बिहाव कर बो कथे सियाराम। जय सियाराम। कै स्वामी ये बिहाव करूं कथे, तब वो देख हमार देव वाला खान लाल खड़े स्वामी, ओई डांडा गेल देव ना ओकरे संग बिहाव हो जाई कथे सियाराम। जय सियाराम। लखन लाल कथि हरि दत्ता मोरे डहाना वथि छेरी की मुड़ी खड़ खड़ा है कथे सियाराम। जय सियाराम। राम सीता ही जीत ही कही प्रभु भ्राता, राम सियाराम रमा आई कुमारी मोरी लघु भ्राता, रामा सियाराम रामा सियाराम।
बिहार हो गए मोर अर्धांगनी मोर साथ में, अगर तोर बिहार करे के विचार है ना तो मोर छोटे भाई लखन लाल सुकुमार सुयोग्य है और ओकरे संगे शादी तोर हो ही है। जुग जोड़ी बने जुग जुग ले ले हावे थी सियाराम ये चचे लादी कथे वो सुकुमार सल्ली कथे अबे कृष्ण ने साथी मोर वही कहे सियाराम शादी इनका देखो रचमार देख लो इकर मन में बिहार होगी इकर मन के जोग जोड़ी बने फूक फूक ले चले हम रमन के भी आओ हो जाए राजकुमार हम रमन के जोग जोड़ी बने जुग जुग ले खुली थी सियाराम आज हो गया है साथी इनका देखो कैसा ये सुखदाई है तुम करो हमारे साथ साथी इच्छा मन में आई थी सियाराम ग्रहण जी कथे कथे सियाराम अब देखो दाई लखन लाल को ने वैराग्य सुरपलक्का वासना वासना रूपी सुरपलक्का जो है लखन लाल ला अपन ते खींचे के प्रयास करत कथे सियाराम लखन लाल कथे देवी ते तो लंकापति राजा रावण की बहनियों को था मैं तो भैया के दास हूं भैया के नौकर हूं देखो हम पर सब बिहाव कर ले बिना एक दासी बन जावे एक नौरानी बन जावे अब तो बड़े राजा के बहनी ला दासी बनना नौकरानी बनना शोभा निकल देवी भैया कोसलपुर राजा ही सबके हित के देखने वाले वो जो भी करते बोले सब पप थे आओ ही दान तो मन जाओ कहे सिया राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम लखन लाल सुरपुर भगवान दान भेज दी भगवान स्वप्न कर फिर लखन लाल दान भेज दी सुरपुर का ये ती जाते वो ती जाते बड़ा जोर से घुसा जाते कहे सिया राम और ये तीजा होता हनोती का तिरामा अब वो तीजा होता हन ये ती हो राम अब ये ती वो ती के यावाई नाई ना चाहती है राम मोला पिंडरी कसना जना चाहती है राक्षसी रूप बनाना पड़ी कहे सियाराम हमार दोनों धन के बनाते थे मैं दुष्ट बीच में आग झपा के अभी लई यहां से भगाना पड़ी कहे सियाराम राम तबक से आन राम बहि जाई राम सियाराम राम रूप भयंकर प्रगट की राम अरे खा जाऊंगी कच्ची मूली की तरह खा जाऊंगी कच्ची मूली की तरह ओ मेरी जुल बुलाती है मसल डालो वाले मच्छर की तरह हाथ मेरी खोज गड़गड़ गड़गड़ रक्त पान करूं गड़गड़ गड़गड़ रक्त पान करूं तीर चली जाती चुरमर चुरमर हड्डी चबाऊं भगाए बिना तोला नहीं तो छोड़ा कहे रामा माता जानकी डांस और बना खाई जावने लागे रामा माता जानकी लग जैसे वहा भगावे हो
में बने फुकले दिखत हो थे सियाराम। दोनों ढंग के बीच में आगे दीदी हो ये लंबा खीरा बीजा सा दांत ला निकाल दे अपने फुक फुकले दिखत हो कहा थे दिखत है बहनी हो फुक फुकले कल थे सियाराम। जय सियाराम। माता जानकी कहते स्वामी ये तुमन का दुष्ट लीला करत हो थे सियाराम। जय सियाराम। जानकी तोरो मन के लीला अपार है वो तो कि तुम्हारी लीला ला देखन देव थे सियाराम। जय सियाराम। जय स्वामी। एक नारी होगे थोगे एक नारी के कारण में ये नारी समाज ला काबर कलंकित करत हो थे सियाराम। जय सियाराम। लखन लाल कहते भैया तुमन मोटा अंडा खेलत रहो जी अब तो दो जन के बीच में आ गए अब कैसे छोही थे सियाराम। जय सियाराम। लखन लाल जे नारी के लज्जा नहीं भाई ओकर आभूषण नहीं नारी की आभूषण तो लज्जा के थी सियाराम। जय सियाराम। नीरक परख के हीरा परखे घोड़ा परखे कानों से चाल चलन से नारी परखे राजा परखे जय सियाराम। अब कैसे छोई जी के थी सियाराम। जय सियाराम। अभी लसिक छत न पड़े भाई ताकि बात नर की सुपना का से नारी समाज शिक्षा ले ली थी सियाराम। जय सियाराम। पूरी कहानी आज्ञा ही कही सियाराम। जय सियाराम। आज लखनलाल भैया से आज्ञा ले ली थी अब आज्ञा लेके सुपना का के पास में जाके के थी देवी चल देवी मोर संग तोर बिहाव होई के थी सियाराम। जय अगर तोला करे पर देवी तब पहले सात तब तक कहीं जाके मोर अर्धांगनी बनबे के थी सियाराम। मगन हो के सुरपाना गाना चाहिए हो चल राजकुमार पर्ण बंधन बंज थंग थे सियाराम। जय हाउ देवी चल थे सियाराम। जय भैया के इशारा ले लखा देखा था वे रामा अब मोर माग बिहा होई के मगन होने लागे रामा मगन हो के सुरपाना खाना चाहिए हो गई सुरपना चाहिए बिलके बिलक रोई जाती है रामा नाच कट गए मने प्रतिष्ठा चल गई सियाराम। रमना के काम बिनु भई बिकिराला रामा सिया रामा बड़ा काला पर्वत के समान रूप दिखत रहे दाई खून की धारा बहाता है सियाराम। रम जनु स्रव सैल गेरु की धारा रामा पहुंचन लगे थे सियाराम। मंत्री के साथ में दाई आवन लगे रामा
पहुंचा था वे सियाराम। मंत्री के यो साथ में जाई पहुंचन लागे रामा। अरे भाई दोस्तों, लंका में रहकर मदरा पान की सेवन करी लंका के जल्द से आओ हमारी ये मदरा पान की व्यवस्था करो। श्री सियाराम भागन भागन मंत्री मना मदरा लाला राम। मर जाओ ये शरा गर तेरी बूढ़ा हो गर तेरी बूढ़ा हो खाना भी हराम। श्री सियाराम मदिरा के ना समझाई मन लागी राम। ओ भाई दोस्तों, तुम भी मदिरा पान के सेवन करो। श्री सियाराम मदिरा के ना समझाई मन लागी राम। जय श्री राम, 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 बोल सियावर रामचंद्र। सुरपना का आवन लागी रामा। वार भाई हो दिकारे के सराव। अरे ते बड़े बड़े वीर भाई होते हुए तोर भैरी के नाक कट गए और तुम लंका में मेरा पान पी के पड़े हो सियाराम। अरे चल जाए तुम्हारी बोतल चूल्हे में जाए सराव तुम्हारे होते हुए आज कट गई तुम्हारे बहन के सियाराम। जब मुझसे सुपना खदा ही घर दूसर मेरा पान पी के पड़े रहे उठा लगा थे थे सियाराम। भैया 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 ओ ऐसे रखा तेरी हालत भैया बजती है जग में भैया जिनके नाम की लंका आज बदनाम हो गई भैया तुम्हारी शोले की लंका लंका लंका। जय सियाराम जय सियाराम हर दूतों तर में तर में तरना थे दाई दाई बस 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 आज तो नाक कट गए लंका के लिए बड़े बड़े चुनौती है बता बहना तो नाक काटने वाला कौन है जल्दी बता बदला ले बजा वो थी सियाराम। अरे ऐसा वो पर पतंगा है जिनका परलो में छाई है इसकी कयामत आई है जिस लंका पर छाई है सियाराम। ऐसा वो कौन वीर है चुरू का काट डालूंगा जिसने तेरी हालत बनाई बहना जब उलट उलट तो जय सियाराम। बता तो नागला कौन काटे है थी सियाराम। बताऊं भैया कला बताऊं थी सियाराम। बैठे बैठे भैया मैं दिल लगा गई राम। बैठे बैठे भैया मैं दिल लगा गई राम। मैं तो चली गई पंचोटी घूमने देखा मेरा रूप चंद्रमा सा उजियारा छोटे राजकुमार हो गया मुझ पर दीवाना थी सियाराम। कला बताऊं भैया पंचोटी के जंगल में आज घूम रही क्यों क्यों पंचोटी के जंगल में दो जंगली पुरुष आए संग सुंदरी नारी है नारी पर आने को भैया छोटे राजकुमार बड़ा मत वाला है पूछा तेरा नाम है भैया। हाँ हाँ बहना जल्दी बताओ पूछा तेरा नाम है भैया तूने दे ही तुझको दे डाली गाली और छोटे राजकुमार मेरी नाक काट जय सियाराम। तुम थोड़ी धीरज धरना हम दंडक मुन को जाएंगे अजनाक काटने का बदला भी चुका कर सियाराम। सब है दूर महल में जा बदला ले पर जा सियाराम। जा भैया
मोर तो नाक कान चली गए भैया गिन 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 करा जात थी सियाराम रियो बेटो अरे ओ सुन तैयार करो आज पंचपटी में जाके बदला लेना है थी सियाराम बदला ले बर पर दो संजावा लागे राम आकाश में धुआं धुआं उड़ा थी सियाराम अंतर्यामी परमात्मा है तो आकाश मार्ग देख की गति लखनलाल आकाश मार्ग देख तो भाई बड़ा धुआं धुआं उड़ा थी लखनलाल शत्रुमन युद्ध करे बड़ा थी तेरी मत कर लखनलाल तोर भाभी जाने लगी ले जा अब पहाड़ के पाछो में छुप जाबे काबर के भाई तोर पलखा के नागे कटी है कई नारी के बदला नारी से ले रही ना बड़ा जोर से अपानित हो जाबो सियाराम लखनलाल देरी नहीं करी दाई भैया से आगे ले ले तब आगे लेके माता जान जाने के पहाड़ के पाछो में छुपते सियाराम इधर भगवान अकेला है सियाराम बदला ले बर भरे दूसर आवन लागे लेकिन बहन से अपना खतीन जन बताए से अरे हो ना हो इच्छा मर बहनी के नाक लग काटे हुए तेरे भी करिस दाई भगवान जोर से ललकार दी सियाराम अरे कहां तू कहां भाई कहां तुम से लड़ाई है जरा से तू चीते है इस पर्वत पर सियाराम जय सियाराम अरे भाग जाओ इन बातों से समझाता हूँ ले जाओ प्राणों की भिक्षा या शिक्षा तुझे दे जाता है सियाराम वारे ना दान बालक वारे ना दान बालक बातें तू करता बड़े बड़े आता नहीं मैदान में अगर बल है तो लड़ जाओ हमारे सियाराम बातें बनाना छोड़ दे ना मन से टकरार कर यम लोक को जाने के लिए तू रास्ता सीधो यदि मैं पैर पटक दूं धरती भी तब जाएगी और खो खो तो चित्रकला हिमालय में उड़ जाएगी सियाराम जय सियाराम आग की लपेटों से भय न करना भूल है घुस जाओ वरना मर जाओगी इराम की समझो सियाराम जय दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ के दाई हो युद्ध प्रारंभ हुआ थे सियाराम जय सियाराम की विनाश कर दी माता जानकी कहते स्वामी आपका सेना मन के साथ लड़ाई करो प्राणनाथ आपन थकावट लगत हुई थी सियाराम जय सियाराम कह जाने की मैं सेना मन के साथ लड़ाई करियो ना मोल थकावट आवे लगत थी बल्कि मोला भूख लगत थी अगर कहीं से भी कंद मूल फल मिल जाते सेना जाने की मोर थकावट भी दूर हो जाती थी सियाराम जय सियाराम लखन लाल आज्ञाकारी सुनत रहे थे भैया आप ला भूख लगत थे भैया आज्ञा दो भैया मैं कर्म फल लवल रहूं जी कथी सियाराम जय सियाराम भगवान कहते लखन लाल जंगल
के कारोबार भाई जल्दी से कदम फल किया जब निभाना काम है भारी जो पति के काम आए उसी का नाम आज माता जानकी पति ले परमात्मा मान के अपन असली रूप लागनी समय भर जाते आज देखो दाई हो एक नारी के स्वरूप परमात्मा है पति परमेश्वर ये कई धर्म आज माता जानकी तो पति ले परमात्मा मान के अपन असली रूप लगने में समय भर जाती सियाराम पति परमेश्वराय नमः भूपति परमेश्वराय नमः भूपति परमेश्वराय नमः माता के असली रूप हदाई हो अग्नि में समाएगा पंचोटी में समय बिता लंगापति राजा ए दे रावण कहे सभा में कैसे हो रहा भैया भैया कई के चिल्लावन लागे रा रक्षा करो भैया पुकारा लागे मने लंग तकली बहुत बड़ी सुनो सुनो बता भाई ना तो नाक काटने वाला कौन है जल्दी बता बदला ले पर जो हमको फीस यार जय जय तो कौन भरम रहे जिनका परलो में छाई है इसकी कयामत आई है जो लंग का पर छाई है यार जय ऐसा वो कौन भी
नहीं रही फिर उसका काट डालूंगा जिसने तेरी हालत बनाई बहना जब उलट उलट बता बहन तुम रखा तो नाकला कौन काटे काला बताओ भैया काला बताओ आज पंचवटी के जंगल में घूम लेके गया भैया पंचवटी के जंगल में दो धनवीर पुरुष आए सुंदर सुंदरी नारी नारी पर आनी को ठहरूंगी क्यों भैया छोटी राजकुमार बड़ा मतवाला है पूछा तेरा नाम है भैया हाँ हाँ बहना जल्दी बताओ पूछा तेरा नाम है भैया सुनते ही तुझको दे डाली गाली और छोटे राजकुमार मेरे नाम तो नाक कट गए कबिल पे का देखा था अरे मोर तुम्हारा ताकतवर मोर भाई घर घर दुश्मन ओकर पास जा रहा दुखला सुना रहे सिया राम जय सिया के रे हूं भैया ओकरो मन कर गए हूं दुखला सुनाए हूं थे सिया राम जय सिया का समाधान करी थे सिया राम जय काला बताओ भैया कर दो सब के अपार से ना एक के जन मार के धराशाई कर दी थे सिया राम जय नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता ऐसा तुम थोड़ी थोड़ी रखना हम धंधा कौन को जाएंगे काटने का बताओ अभी चुप कर तुम महल में जाम जा भैया बीमारी होगी सियाराम खरे दूसन मोही समा बालवंता और जिन ही मारे हो भगवंता की सियाराम अरे बोल तुम्हारा का तोर बोल भाई खर दूसन बोला मारने वाले धरती में न तो दाना पैदल है न तो मारा पैदल है आज खर दूसन जैसे मेरे भाई ने मारते हैं धरती में नारायण का अवतार होगी परमात्मा की अवतार होगी अरे जब ये अकेली ताकत ने खर दूसन को मार दिया तो निश्चय इसी तो हुआ नारायण का आज काम बनाना है कि मारिच के सामने सिर झुका है थी सियाराम जय मारिच ध्यान में बैठी रहती कब के वो जब के ताड़का सुबह युद्ध होते ना तो भगवान के ठुठुआ बाण बिना फण के बाण मारिच ने लगे रखी 100 योजन दूर लंका फेंका रही उस दिन के ध्यान में बैठी है सियाराम जय मारिच के कान में आवाज पहुंचे थी हे भगवान मोर कुटिया को नाग बल पुकार रही थी उठ के देखी लंकापति राजा रावण हाँ चाहिए दादा अब ये नो है कैसे कैसे मोर कुटिया माँ है जरूर कुछ ना कुछ कारण है थे सियाराम जय जय संकट की मामा श्री जय जय संकट की दस्ताना मामा यो भाजा वो दाई हो गाये यो मिले हो रा मामा यो भाजा वो दाई हो गाले यो लंका बने बने हावेत नहीं थी सियाराम मामा सुन लंका बने रहती थी तो कुटिया में क्या करे बुरा दिन थी सियाराम भाई देखे ना मैं कहा तो जरूर कुछ ना कुछ कारण है तभी कुटिया माँ है थी सियाराम कुशल नहीं है लंका मामा लंका पे भी पत्ती छाई है रामा कुशल नहीं है लंका मामा लंका पे भी पत्ती छाई है रामा और दो तपस्वी बालक के मामा लंका पे किया I'm gonna go get a
जिन्होंने ठुठुआ बाण मारी वो ठुठुआ बाण ले याद करत है सिया राम। लंका कुसर नहीं है, लंका में दो तपस्वी चढ़ाई करे मैं सहायता मांगे बना हूं थे सिया राम। भाचा ओ मन साधारण तपस्वी मन दस दस समझता ओ मन तो नारायण के उतारे परमात्मा के उतारे एक बार मोट ठुठुआ बाण मारी सी सौ अंदर लंका में फेंका रहे हूं ओ कर से दुश्मनी बोल मत ले दादा ऐसे की मारी फिर ध्यान बैठे लगती लंकापति राजा रावण गुस्सा जत दाई कहते बाबा सुन जिस रावण के नाम से अरे जिस रावण के नाम से डरता सारा लोग है कह रावण के मां बारिश को इस जगह पर सोक है अचल ने पास ना बेकार फिर बात सुन रहा तेरा फिर जीरो मारी थर 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 का पादर सिखाई माई डे दादा माई डे चंदार बता भाचा बता दादा मतलब का करना पड़ी थे सिया राम सहायता मांगे रहो सहायता चीर थे सिया राम बता भाचा बता दादा कैसे सहायता कराऊंगा थे सिया राम तू चल कर माया मेरे बन जाओ मैं बाबा जी बन जाऊंगा तू जा कर दोनों तपस्वी को भगा देना मैं सीता को हर ले मामा सुन सुन तो माया के बिना बनना पड़ी सोने के बिना बनना पड़ी आ जा के दोनों तपस्वी ला भगाना है थे सिया राम हो कमर में तुम छलकारी और जय मेरी आना हर जी पर थे सिया राम। अगर राजी से नहीं गया तो भी मारा जाऊंगा इससे तो अच्छा जाकर प्रभु के हाथों मर कर मुक्ति मोर मौत आज निश्चित हावे नहीं जावत हो ते पापी घास से मरे लगी और जावत हो तो परमात्मा घास से ये पापी घास से मरे से तो अच्छा जाके परमात्मा घास से मरना उचित है ऐसे विचार लगा के जाइए आज मामा मार रहे तो माया रचन कर बजात सोन की मिर्गा बना बजात थे सियाराम। जय सियाराम बाबा के रामा कुटिया के समीप आगे दाई हुई माता जानकी के नजर है तो मिर्गा ऊपर पड़ जाती थी सिया राम। आज मामा मान जे सोने सोन की मिर्गा बन के दाई हो कुटिया के समीप में पहुंचे थी सिया राम। कह प्रहलाद देख तो स्वामी बड़ा सुंदर मिर्गा दिखाते स्वामी ये जाओ ना स्वामी ये मिर्गा लमार के लिए हो के थी सिया राम। कह स्वामी मृग मैंने देखा सोने का कितना श्याम सलोना सर से लेकर पांव तक लगा सोना ही सिया राम। जय स्वामी ये मृगा बड़ा सुंदर दिखा थी ये मृगा लमान के लिए स्वामी इकर खाल अयोध्या लिख बुक थी सिया राम। जय सिया राम लखन लाल कहते नहीं नहीं भैया मजा भैया मौ बहुत से मृगा देखियो ये मृगा में आवेशन लगे भैया ये मृगा लमारे पर मन जाओ जी थी सिया राम। अब देखा ये मृगा कोने दुगली के मने नकली माता जानकी कोने दुगली के मने नकली असली माता जानकी तो यज्ञ में समा गए दाई और असली मारी छे तो मृगा बन किया है। लखन लाल का मन फल पर जा रहे थे भगवान और जानकी के बीच में लीला होते ना लखन का लमाल मिल रहा है लखन लाल माता जानकी के चिंता फिकर होते सिया राम। जय मृगा भगत है जाओ ना स्वामी मृगा भगत है प्राण भगवान के लखन लाल मैं मिर्गा मारे पर जाता हूँ भाई मैं तोर भाभी के रखवारी कर भी जंगल के कारबार है भाई तोर भाभी लाभी लाली छोड़े कहीं मत जाबी का भी सिया राम। सीता केरी करहू रखवारी और बुद्धि विवेक बल समर्प विचारी का भी सिया राम। कहे भाई बुद्धि से काम लेवे विवेक से काम लेवे जंगल के कारबारी तोर भाभी लाभी लाली छोड़ के कहीं मत जाबी का भी सिया राम। लखन लाल कहते ठीक है भैया मैं भाभी की रखवारी करूं भाभी मां अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा थी सिया राम। ऐसे भगवान लखन लाल समझा देते और मिर्गा मारे पर मिर्गा के पाछू दौड़त थी सिया राम। मेरी गा नहीं बाची राम हो मेरी गा नहीं बाची मिर्गा
राजा थे राणा स्वामी तो लजी भर के देखन दे आज तो मोर उद्धार होना चाहिए एक बार तो तू ठुठवा वाला पार कर डाले हो स्वामी आज तो से एक गोदन और बांध के खड़े हवस थी सियाराम जय मिर्गा भगवान ने निहारत रहा भगवान मिर्गा ऊपर निशाना लगाए रहे दाई और मिर्गा नहीं बाची रामा हो मिर्गा नहीं बाची मरे के जोर से लक्ष्मण 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 की दी लेकिन दिल से हृदय से राम पुकारी श्री सियाराम ऐसे आज मारी से उद्धार होगी श्री सियाराम एडर माता जानकी सुनते लखन लाल सुनते वो मन चिंता फिकर होती कहते भैया 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 स्वामी 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 श्री सियाराम माता जानकी कहते लखन लाल तोर भैया ऊपर मुसीबत आ जैसे लागते लखन लाल जा लखन लाल भैया के पता लगा कि अब सियाराम नहीं नहीं माँ ये सब राक्षसी माया चाले माँ भैया पर कोई विपत्ति नहीं आए माँ भैया तो बोला तो रखवारी करे बड़े छोड़ी जंगल के कारोबारे माँ बोल भैया के लिए छोड़ के नहीं जा सकते सियाराम वाला लाल तोर भैया तो पुकारा थे अब तो मोर जोर का फिकर पड़े समझ गया लखन लाल तेरे बन आने की बहुत बड़ी चतुराई है नियत तेरी ठीक नहीं लक्ष्मण मन में तेरी पर ऐसा न सब मत बोलमा हमेशा मैं तुला माँ की दृष्टि से देखियो सियाराम माता जान की लमाओ का मिल जाती दाई हुई माता जान जी कहते लखन लाल हमेशा ते बोला माँ समझे ना हाँ माँ हमेशा मैं तुला माँ की दृष्टि से देखियो सियाराम लखन लाल माता मुझे समझते हो माता मुझे समझते हो मानो माँ की भ्राता आज्ञा मैं तुझे देती हूँ खोज ले जाओ सियाराम लखन लाल ते बोला माँ समझते थे लखन लाल मैं तो आज्ञा देता हूँ लखन लाल तोर भैया मुसीबत में तो पुकार थी जा लखन लाल तोर भैया के पता लगा कि आप एक थी सियाराम वो समय के बेरा में मुर्दाई दी भई रही लखन लाल विचार लगा थी हे भगवान हे परमात्मा आज भैया की आज्ञा के पालन करो कि माँ की आज्ञा के पालन करो थी सियाराम लखन लाल रहे तो वन के देवी देवता साक्षी रखी आकाश के देवी देवता साक्षी रखी धरती के देवी देवता साक्षी रखी थी अच्छा माता मैं जाता हूँ अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम आज्ञा के अंदर में रहना आज्ञा में सदा लक्ष्मण रहा तुम रेखा के अंदर रहना इस रेखा के अंदर माते जो कोई भी आएगा लक्ष्मण की सौगंध है माते जल कर राख आज लखन लाल रहे तो सुंदर कुटिया के बाहर में रेखा खींच दी थी और माता समझा के भैया की पता लगाए बर जाता थी सियाराम गौवा की चरैया मन मोहना हो या शुद की ललना मुख पर मुरली बजाई हो चलन लागे रामा
आज मौका अच्छा है दोनों भाई मिर्गा के पाछू मिर्गा मारे बरबर सीता कुटिया में के लिए जाके सीता के हरण करना है थे सियाराम सीता के हरण करे बर जात लेकिन कौन से रूप बनना चाहिए साधु के रूप धारण करना चाहिए भिक्षा मांगने के बहाना जाके सीता के हरण करना है थे सियाराम साधु रूप रावण दाई धारण पति राजा रावण साधु रूप बना कुटिया के समीप में पहुंच गए दाई माता जानकी जो कुटिया में रहती कुटिया ले बाहर निकल की देखन लगते थे सियाराम आज देखो लंका पति राजा रावण साधु वेश में दाई हो भिक्षा मांगे कुटिया के समीप पहुंचे थे सियाराम भिक्षा मांगे माते भिक्षा मांगे ही माते थे सियाराम लक्ष्मण कह रखे दाई जो कोई भी रेखा को पार करेगा जल कर राखो आज देखो दाई हो साधु वेश में लंकापति राजा रावण रहे तो रेखा ल पार करे के प्रयास करत कथे सियाराम भिक्षा मांगने बाबा चलन जैसे पार पार थे अग्नि प्रकट हुए यहाँ भी सकते हैं यहाँ भी कुछ इंतजार यहाँ से पीछे ले ची रेखा के बाहर से ना ची थे सियाराम भिक्षाम नहीं माते भिक्षाम नहीं माते थे सियाराम माता जानकी कुटिया के बाहर निकल थे भगवान परमात्मा कौन बल कुटिया में भिक्षा मांगे बरा है चलिए साधु बाबल भिक्षा ही थो उगर आशीर्वाद ले थो भिक्षा के थाले ले के निकल थी लो बाबा भिक्षा लो लो बाबा थे सियाराम अगर भिक्षा लेनी हो माई रेखा के बाहर निकलो नहीं तो हम जा रहे जय लक्ष्मण जय राम राम बोले रुको बाबा भिक्षा ले लो बाबा भिक्षा ले लो बाबा थे सियाराम और तू विचार करो मर दाई दद जय लक्ष्मण के खिड़की रेखा ला लंका पति राजा रावण पार नहीं कर सर अग्नि प्रकट हो ओ लक्ष्मण के खिड़की रेखा ला माता जानकी किसे पार करी से थी सियाराम माता जानकी रहे तो भिक्षा के थाले लेके रेखा के बाहर निकल लगी लो बाबा भिक्षा लो बाबा थे सियाराम सीता अकेली वन में पड़ी है रावण आया ही राम इसीलिए पापी रावण ने साधु वेश बनाया ही राम रक्षा करो प्रभु रक्षा करो हे सियाराम ताई तो सब की दुखी हरे प्रभु मोरो दुखला हर ले हे सियाराम दुखी के हरैया स्वामी दुख मोरा हरे हो रामा दुखी के हरैया स्वामी दुख मोरा हरे हो रामा Hare 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 Hare
लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल भैरा माया भागी ऐसी जली कोयला भई नारा आज ब्रह्मा ने जोली के दिया चटी रात के राय घाटे न दिल बढ़े रहो रही आज लिखा करम में जो है विधाता जाने वाला कोई मेरा हमर मन के पास में पांच मिनट शेष है एक भजन के पश्चात में ये मंच से सादर विदाई होना ही ऐसा ढंग के मर्दाई दीदी बहनों लंका पति राजा रावण होता माता जानकी का परम करके माता जानकी लंका की ओर प्रस्थान करे थे ये तन के कोई ठिकाना नहीं है मोरदाई दीदी बहनी हो नाम के तन है वो और ये तन हां कब तन दी टिकट ठिकाना नहीं है थे सियाराम जय सियाराम ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि गुण लगा ले तेरे दाई प्रभु गुण लगा ले तेरे सही बात है ना दाई बिल्कुल सही बात है सियाराम ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना हरि गुण लगा ले प्रभु गुण लगा चांद अधूरा है सितारा।